फ्रेंड्स मैंने भाड़ा लगा लिया है मेरे चप्पल, सो वहीं मिलते हैं। आगे से ऐसे दबा देते हैं और हे गाइस दिस इज राकेश, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पहाड़ी ब्लॉगर राकेश। हे गाइस गुड मॉर्निंग। अभी का सुबह का मौसम देखिए, अभी 7 बज रहे हैं और अभी मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी मुझे नाश्ता तैयार करना है, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो मेरा नाश्ता कुछ तैयार है, तो आप चलते हैं छानी की ओर और इसे मम्मी को दे देते हैं। और सुबह का व्यू कुछ इस प्रकार से मेरे घर से दिखता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और मनोरम दृश्य दिख रहा है। गाइस मैं अभी अपने छान की ओर जा रहा हूँ, जहाँ मेरी मम्मी सुबह 5 बजे चले गई थी। मुझे कहा कि नाश्ता लेके आना, तो ये देखिए, ये मैंने रोटी और पानी सब्जी वगैरह ले गया है। और साथ में देखिए बारिश भी, बारीक झुरमुर झुरमुर लग रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मुझे अभी पहुँचना है, मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है। तो वो देखिए मुझे पहुँचना है यहाँ, ये वाली छान, यहाँ मुझे पहुँचना है जहाँ हमारे भैंस और थोरा रखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो इस झुरमुर झुरमुर से बारिश को देखते हुए मुझे एक गाना याद आ गया, चलिए आपसे शेयर करता हूँ। रुण जुण बरखा लगी चौमसी छन्यू मडेरा। आगे याद नहीं है, एक ही लाइन थी यार। आपको अगर याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पहाड़ों में बारिश जैसे होती है तो खाले गदेरे आ जाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पहाड़ों में बरसात के मौसम में जीवन यापन करना बहुत ही कठिन होता है। इसका जीता जागता हुआ उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी चाल हुआ करती थी, जो इस बरसात के कारण यहाँ पर बाढ़ आई होगी और ये दब गया नीचे। अब भैंस को पानी पिलाने की आफत देख सकते हैं आप मेरी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चाल थी लेकिन अब नहीं रही। कुछ ऐसा मंजर हो जाते हैं बरसात। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी छान पे, चलिए अंदर देखते हैं हमारे पशुओं को, हमारे थोरे और भैंसे को। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारा भैंस, ये देखिए, और ये रही हमारी थोरी। सुनो मेरी मम्मी तो यहाँ नहीं है, तो मुझे अब खेत में जाना पड़ेगा उन्हें खाना देने के लिए। तो चलिए आपको डायरेक्ट वहीं का व्यू दिखाता हूँ, और पीछे का व्यू देखिए कितना ऑसम है। तो वो रही मेरी माँ यहाँ पर। फ्रेंड्स ये है धान का खेत, जहाँ भी हम बारी बारी कबाड़ हैं, घास है जो छोटा छोटा खाड़ बोलते से, इसे उपाड़ने आए हैं। कुछ इस तरह से ये कबाड़ हम उपाड़ते हैं इसे ऐसे, और धान के खेत को साफ कर देते हैं जिससे खेत में चूहे नहीं लगते हैं। मेन मोटिव यही होता है कि खेत में चूहों का डर रहता है, उसे भगाने के लिए, मतलब वो नहीं आते इस समय, तब ऐसा करते हैं। फाइनली हमने वो खेत पूरा कर लिया है, मम्मी भी दूसरे खेत में चले गई है और मैं घास को छाने तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो चलिए आगे का रास्ता तय करते हैं।
इसे पहाड़ों में बोलते हैं दंतूण, इससे दांत साफ करते हैं। ये एक पेड़ होता है जिसकी टहनी को काट कर हम दंतूण का यूज़ करते हैं दांत साफ करने के लिए। ये मैंने इस तरह से काटी हुई है, इसे आगे से ऐसे दबा देते हैं। आगे से ऐसे दबा देते हैं और फिर इसे ऐसे दांतों में ऐसे ऐसे में दांत रगड़ते हैं, दांत साफ़ हो जाते हैं। पहाड़ों में ये इसी से अक्सर दांत साफ़ किया जाता है। पहले के ज़माने में तो ब्रश और कॉलगेट तो होता नहीं था, तो इसी से साथ 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 ब्रश भी करते हैं और साथ साथ बहारा भी लगा देते हैं अपना। ये यहाँ पर घास मैंने इकट्ठा कर लिया है, अब यहाँ पर मैं बहारा लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा घास का बहारा लग चुका है, अब इसे उठाने का समय आ चुका और छाने में पहुँचाने का। तो फ्रेंड्स, मैंने बहरा लगा लिया है, आप देख सकते हैं मेरे पीठ पर, और इसे अभी मैं छाने ले जा रहा हूँ। तो डायरेक्ट आपको छाने में मिलते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे वीडियो बनाने में आफत आ रही है, मतलब एक हाथ से और एक हाथ में मेरे चप्पल। सो वहीं तो मिलते हैं। लीजिए, हम छाने में पहुँच चुके हैं, मैंने बहरा नीचे उतार दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर पशु यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब इनको घास डालते हैं फिर घर को निकलते हैं। गुनो, घास मैंने डाल दी है, अब 3 बजे आएंगे हम, फिर भैंस को पानी पिलाएंगे। तो अभी हम घर को निकल चुके हैं, तो अभी मैं पहुंच चुका हूं घर और अब खाना बनाने की तैयारी शुरू। चले, यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया है और ये मेरी दाल पक चुकी है, अब मम्मी का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद हम खाना खाएंगे, फिर बाद में आपको आगे की सीन दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी छानी से उरई छान वहाँ से भी घर आ रहा हूँ और अभी का मंजर दिखाता हूँ आपको, अभी का पहाड़ों का व्यू कैसा है वो देखिए। ऊपर आसमान में लालिमा छाई हुई है, अभी का व्यू बहुत ही शानदार, और आकाश पूरा लाल दिख रहा है। ये देखिए, अंधेरा होने वाला है, तो अब चलते हैं घर को। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।